इससे पहले मुझे 6 मार्च 2020 को ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने का अवसर मिला था। ऐसे तो 3 साल का समय बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन अगर इस 3 साल के स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखें तो लगता है कि पूरे विश्व ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जब हम पिछली बार मिले थे तो मास्क रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। लोग सोचते थे कि वैक्सीन तो बच्चों के लिए जरूरी है, या फिर कोई गंभीर बीमारी है तो मरीजों के लिए जरूरी है। बहुत से लोगों ने तब गर्मी की छुट्टियों में घूमने की तैयारी भी कर रखी थी, कुछ करके तो टिकट होटल बुक हुए होंगे। लेकिन 2020 की उस ईटी समिट के ठीक 5 दिन बाद WHO ने कोविड को पैंडेमिक घोषित कर दिया, और फिर हमने देखा कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया ही बदल गई। इन 3 वर्षों में पूरा विश्व बदल गया है, वैश्विक व्यवस्थाएं बदल गई हैं, और भारत भी बदल गया है। बीते कुछ समय में हम सभी ने एंटी फ्रेजाइल के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर ढेर सारी चर्चाएं सुनी है। आप बिजनेस की दुनिया के ग्लोबल लीडर्स हैं, आप एंटी फ्रेजाइल का अर्थ और उसकी भावना भली भांति समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करे, बल्कि परिस्थितियों का ही उपयोग करके और ज्यादा मजबूत हो जाए, विकसित हो जाए। मैंने जब एंटी फ्रेजाइल कंसेप्ट के बारे में सुना तो सबसे पहले मेरे मन में 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक संकल्प शक्ति की छवि उभरी थी। बीते 3 वर्षों में जब विश्व कभी कोरोना, कभी युद्ध, कभी प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों से गुजर रहा था, तो उसी समय भारत ने और भारत के लोगों ने एक अद्भुत संकल्प, एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए, कहां पहले फ्रेजाइल 5 की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। भारत ने दुनिया को पूरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के समय भारत ने जो सामर्थ्य दिखाया, उसकी स्टडी करके 100 साल बाद मानवता भी खुद पर गर्व करेगी। आज इस सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए भारत के और भारत ने 21वीं सदी के 3रे दशक की बुनियाद बनाई है, साल 2023 में प्रवेश किया है। भारत के इस सामर्थ्य की गूंज आज ईटी ग्लोबल समिट में भी सुनाई दे रही है।